पे भाई दोनों का संगम हो रहा है, मिलके एक गंगा नदी बन रही है यहाँ पे। अब पानी डाल ले अपने ऊपर। मतलब क्या रीजन है इसके पीछे इतना छोटा होने का। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लेंसडाउन। तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई लास्ट ब्लॉग में आपने देखा हमने कैंपिंग करी थी ऋषिकेश में जाके। भाई इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आया हूँ देवप्रयाग और यहाँ पे भाई हम स्नान करने वाले हैं। जिस हालत में आप हमें देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम स्नान करने आए हैं यहाँ पे। और भाई तो भाई अभी बेशरम होना पड़ेगा थोड़ा सा हमें, और नहाने के लिए तैयारी करते हैं। और पानी भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है अभी इस टाइम पे। और अभी भाई 1 जनवरी है तो समझ सकते हो बाहर ठंड भी अच्छी खासी हो रही है, बट धूप की वजह से क्या है कि थोड़ा गर्मी है, अच्छा खासा ठीक ठाक मौसम है। ते चलते हैं और लगाते हैं डुबकी। सोचना नहीं है, बिना सोचे समझे डूब जाते हैं। नाले नाले मार दे डुबकी। चुप रही है भाई, मार दे डुबकी, प्राण निकल जाएंगे, कोई बात नहीं निकल जाए। 100,000 चुभने वाली। चलना भाई कुछ, अब तो खेल गया। क्या कर रहे हैं यार तू? अब पानी डाल ले अपने ऊपर। तो भाई राफ्टिंग वगैरह भी हो रही है यहाँ पे संगम के ऊपर, और भाई नहा के आ चुके हैं। और अभी देखो कुछ इस तरीके का माहौल है यहाँ पे। ट्रेनिंग ना हो सो भाई सभी हम खड़े हैं देवप्रयाग में, और यहाँ पे होता है भाई दोनों का, दो नदियों का संगम, जो कि वो है भागीरथी और ये है अलकनंदा नदी। और दोनों मिलके भाई गंगा नदी बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से सीधा आगे जा रही है हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आगे ये नदी जा रही है। और भाई यहाँ से जो नज़ारा इस तरीके का, अभी अच्छा खासा क्राउड आया हुआ है। आज 1 जनवरी है तो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग भाई सभी अपने पाप धोने आए हुए लग रहा है गंगा नदी में। और भाई कुछ इस तरीके का नज़ारा चारों साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। और भाई ऊपर है टेंपल, अभी जाके टेंपल में आके हम दर्शन वगैरह कर लेते हैं। और भाई यहाँ पे इस पानी में मछलियाँ भी है, देखो दिख रही होंगी आपको। गाइस अभी नहा के आ चुके हैं नीचे से, और पानी भाई बहुत ज़्यादा ठंडा था, हालत ख़राब हो गई। और बट चेंज करने के बाद अभी नॉर्मल लग रहा है, और धूप भी ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, तब भी ठंड इतनी लग नहीं रही है। तो अभी हम जा रहे हैं गैलन लेने, पानी वानी भर लेते हैं भाई, गंगा जल भर के घर पर ले जाएंगे। क्राउड की बात करें तो भाई अभी क्या 1 जनवरी है तो ठीक ठाक क्राउड है, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ज़्यादा खाली भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। कुछ करो भाई, आँख दिखाता है मादरचोद। तो भाई चल रहे भरने अंदर, और भाई अभी नहा हुआ तो लिए थे कपड़े भी चेंज कर लिए थे, लग रहा है फिर से गीले हो जाएंगे, लेकिन इस बार स्ट्रगल। सुइयां चुभ रही है। पूरा भरेंगे ना तो बाहर निकले लगेगा, इतना ठीक है। और एकदम से पानी का फ्लो बड़ा तेज हो गया। तो भाई ये देखो इस तरीके का पुल आएगा, और भाई ये हिल भी रहा है पूरा का पूरा। और नीचे की भाई जो नदी है ना बहुत ही ज़्यादा भाई, इतनी एग्रेसिव है ना, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी, और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है नीचे से। और ये पुल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये हिल रहा है तो थोड़ा डर भी लग रहा है इसके साथ साथ, और इसकी आवाज़ भी भाई बहुत खूबसूरत है, देख सकते हो भाई साहब बहुत बुरी तरीके से हिल रहा है भाई ये। भाई पहाड़ी गायें कुछ जानबूझ के छोटी होती है, मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे इतना छोटा होने का, क्योंकि छोटी बहुत दिखती है यहाँ पे गायें। सो गाइस आपको इन्हीं गलियों में से आना पड़ेगा अगर ऊपर से आ रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कोई बाइक और कुछ गाड़ी वगैरह नीचे नहीं आती है। तो वॉकिंग का डिस्टेंस है अराउंड 5 से 7 मिनट लगेंगे, आप पूरा संगम पे पहुंच जाओगे देवप्रयाग के, और ऊपर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, अच्छी खासी जगह है। और इस तरीके की छोटी छोटी गलियां मिलेंगी आपको, देख सकते हो इन गलियों से होते हुए आप सीधा नीचे पहुंच जाओगे 5 से 7 मिनट के अंदर। तो भाई गाड़ी पे तो आई गए, सामान वामान हमने सब गाड़ी में रख दिया, गीला होके गीला जो भी था हमारा रख दिया। एंड अब बना लेते हैं कुछ खाना वाना। क्या बनाया भाई? मैगी मैगी मैगी। 2 मिनट का काम है लेकिन हमारे को लगेगा
हमारे को लगेगा उसमें अच्छा खासा टाइम, क्योंकि हमने जो सुबह खाया था ना उसके बर्तन सही से धोए नहीं हैं, तो उसको धोना पड़ेगा और फिर मैगी बनानी पड़ेगी। तो ओके बनाते हैं जल्दी से और यहीं पे बना लेते हैं यार। आसपास वैसे होटल भी हैं खाने का है, बट हमारे पास सामान पड़ा है तो हम क्यों ही जाएं, इधर उधर बनाते हैं खाते हैं। और भाई ने तैयारी चालू कर दी है फुल जोरों शोरों से और यहीं बना लेते हैं और क्या, गाड़ी के पास में। सो गाइस सेटअप लगा दिया है, पानी डाल दिया इसमें, पानी गर्म हो रहा है अभी। और भाई अभी मैगी वैगी फाड़ते हैं और डालते हैं, और सबसे जल्दी तो भाई यही बनता है यहाँ पे। और ये मैगी बना रहे हैं इस नज़ारों के साथ में, और सामने भाई नदी बह रही है और यहाँ पे मैगी। भाई यहाँ पे मैगी बना रहे हैं और मैगी खाने वाले उधर इंतजार कर रहे हैं हमारा, वो देखो इनसे डर भी लग रहा है भाई, कम से कम भी बहुत सारे बंदर हैं और अभी फुल प्लानिंग में है यहाँ पे आने की, हमें डर लग रहा है और डर डर के छुप छुप के हम मैगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो भी सामान पड़ा था सारा अंदर रख दिया गाड़ी में। और अभी हम खा रहे हैं मैगी के साथ कुलचे जो कि हमने ले लिए थे पहले ही, और इसके साथ भाई बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और ये हमारी थर्ड रेसिपी हो गई मैगी के साथ, पहले हमने ब्रेड से खाया, फिर अंडे को हमने ब्रेड से खाया, और अब हम खा रहे हैं कुलचे को मैगी से, पता नहीं। तो भाई भाई मास्टर शेफ है हमारे, और भाई को है कितने साल का एक्सपीरियंस मैगी बनाने में आज का कुछ घंटों पहले भाई ने सीखा है, वैसे मैगी में कुछ है ही नहीं। सो गाइस खाना वाना हमने खा लिया था और अब निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जो कि होने वाली है लैंसडाउन। तो भाई यहीं से 73-74 किलोमीटर के अराउंड लैंसडाउन भी है देवप्रयाग से ही, और जाते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आपको किस तरीके का माहौल है। और भाई रास्ते काफी ज्यादा, ये देख लो किस तरीके के रास्ते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस तरफ भाई पूरी की पूरी जो माउंटेन्स है ना, रेंज पूरी नजर आ रही है, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। और यहाँ नीचे अलकनंदा नदी है शायद जो बह रही है। देवप्रयाग से ना लैंसडाउन के लिए ये रास्ता निकलता है, और ये रास्ता देखना यार, इस रास्ते में इतने पैचेस हैं और इतना बुरा है ना ये रास्ता कि क्या ही बताऊं, बहुत बुरा है। व्यूज बहुत अच्छे हैं, वैलीज दिखती हैं यहाँ से, बहुत प्यारी वैलीज हैं, ग्रीनरी सॉलिड है, लेकिन भाई गाड़ी की जो है ना पूरी तरह से बैंड बज जाएगी अगर आप गाड़ी से आते हो। और भाई मैं बोलूंगा कि रात में इस रास्ते पे तो बिल्कुल मत आना, आप डे डे टाइम में या रोशनी वाले टाइम में इस रास्ते को कवर कर लो, बेस्ट होने वाला है। भाई ये देखो कितना खूबसूरत झरना है, बट आसपास थोड़ी सी गंदगी कर रखी है, रास्ते में जाते हुए दिख रहा। सो गाइस फाइनली क्या भाई, कम से कम 2 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते, अब जाके कुछ गांव दिख रहे हैं भाई, एक बंदा नहीं दिख रहा पूरी सड़क पे आते आते, एक गाड़ी तक नहीं दिखी हमें। और अभी यहां से लैंसडाउन दिख रहा है 32 किलोमीटर, अभी भी 2-2.5 घंटे हो गए हमें गाड़ी चलाते हुए, और इस तरीके का अभी यहां से कुछ घर वगैरह दिखने लगे हैं हमें, और लगता है कुछ मार्केट वगैरह होगी, देखते हैं आगे जाके। कर दे फिर चालू। तो भाइयों चलाते चलाते रात हो गई, रात क्या होगी यार, अभी टाइम तो कुछ इतना खास हुआ नहीं, 6 बजे हैं, शाम 6 बज रहे हैं, और 6 बजे ही देख लो पहाड़ों में अंधेरा किस तरीके का हो जाता है भाई साहब। और रास्ते देखो यहाँ पर अब आके थोड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भाई पहाड़ों में अच्छे तो लगते हैं रास्ते, रिस्की बहुत होते हैं क्योंकि शार्प टर्न्स है, आप देख रहे हो गाड़ी किस तरीके से लगातार मोड़नी है, और भाई अंधेरे में यही काम तो बुरा लगता है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लैंसडाउन, और हमारा ये स्वागत करते हैं लैंसडाउन कैंट में, और आगे चलते हैं। अभी यहाँ से 6 किलोमीटर अंदर सिटी है, अभी सिटी में चलते हैं। पहुंच चुके हैं लैंसडाउन, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 होंगे अप्रोक्सीमेटली, और बिल्कुल ठीक ठाक समय पे पहुंच गए हैं। और पूरा भाई आर्मी एरिया है, तो ज़्यादा वीडियो शूट वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। तो
भाई जस्ट एंट्री करी है और यहाँ पे एंट्री करने के 80 रुपीस हैं। ये कंटोनमेंट जोन में जो एंट्री करते हैं वहाँ का वहाँ के पार्किंग के होते हैं 80 रुपीस। अच्छा ठीक है। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं लैंसडाउन और हमने रूम ले लिया है। भाई रूम देखो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे और भाई ठीक ठाक ही है, खाली नाइट स्पेंड करने के लिए लिया है हमने। और भाई रूम हमें पड़ा है कुछ अराउंड 1000 रुपीस का ये रूम है, जिसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज जो होती है रूम के साथ वो तो मिलेगी। एंड अभी भाई बात कर लेते हैं। और भाई ये है वॉशरूम इसका कुछ इस तरीके से, नॉर्मल है भाई, जो जस्ट कैजुअल है, हमें उससे ज्यादा कुछ मतलब भी नहीं है, अपने को बस सोने से मतलब है रात को। और बेसिकली भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, अपनी भाई टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा है ना यहाँ पे कि भाई पूरे कानों में अभी ठंड लग रही है। तो भाई अभी थोड़े गर्म कपड़े पहन लेते हैं और थोड़ा बाहर चलते हैं, खाना वाना खा के आते हैं। मैंने खाना मंगा लिया है क्योंकि भाई हम बाहर गए थे, बाहर भाई हमें कुछ भी समझ नहीं आया और बाहर भाई बंदे वगैरह भी बहुत कम थे, तो हमने सोचा कि होटल पे हम खाना वगैरह मंगा लेते हैं। गए थे रूम से बाहर कि भाई बाहर जाएंगे मार्केट में खाना खाएंगे और अभी देखो क्या है, अपना यहीं पे खाना लग चुका है। भाई यहाँ बैठा हुआ हाथ मलता हुआ कि ठंड बहुत है और बाहर भाई न बंदा है न बंदे की जात है, ये बिल्कुल सुनसान ही रह गया भाई, भाई बहुत सुनसान है। तो फटाफट डिनर को खाते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और टाइम हो रहा है भाई सुबह के 9:35 और भाई अभी हम चेकआउट करने वाले हैं रूम को और रूम की हालत कुछ इस तरीके से है इस टाइम पे। और जो भी हमने खाया पिया था सब यहीं पे, हमने मैगी वगैरह बना के खा लिया था, अंडा मैगी वगैरह। भाई जो स्टोव लेके आए थे उसका फायदा हो गया हमें और अब चलते हैं आगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो। और नेक्स्ट लोकेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई लैंसडाउन में हम क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं और प्लेसेस टू विजिट, यू मस्ट विजिट इन द लैंसडाउन, हम वो सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। तो हेलो भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई आ चुके हैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके। और कहाँ बच गया